हम जिस पार्क में पढ़ते थे उसी पार्क में से हमने स्टार्ट पार्क में हम दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस चीज को लेकर बहुत खुशी है और बहुत मतलब करेजमेंट आ रहा है कि जैसे मैम हमने इसलिए स्टार्ट किया, पहली बात मैम आपने भी तो हमें पढ़ाया था क्योंकि हमें भी तो नहीं आता था कुछ। जब आपने सोचा, अगर आप सोचते ही नहीं कि इन बच्चों को भी हम पढ़ा सके, जब आपने सोचा कि हम इन्हें पढ़ा सके पढ़ाएंगे उसके बाद जब भी कुछ सीखेंगे तो हमारा भी तो हमारा से भी नाम रोशन नहीं करेंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो माँ बाप हैं और जो बाकी आस पड़ोस को भी वालों को भी पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई से भी कुछ होता है। हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्योंकि पहले हम खुद एक दूसरे के सामने खड़े होने से मतलब एक दूसरे के सामने बोलने से भी डरते थे। आज हम उन्हीं बच्चों के सामने मतलब दूसरे बच्चों के सामने खुद उनको पढ़ा रहे हैं और मतलब खासकर मेरे को अपने आप से भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन ये हमारी टीम की वजह से और राधा की वजह से और सबकी वजह से, खासकर मेरे को निभा से तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन आज वो खुद खुल के बच्चों पढ़ा रही है और उनको सिखा रही है और मैं वो भी जिन बच्चों को एबीसी लिखना नहीं आता उनका हाथ पकड़ के उनसे लिखवा रही है बार बार। और खासकर इंद्रजीत मैम इसकी मतलब जिसको मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे मैम साथ में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की बात ही अलग है, लेकिन आज वो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के अलग सा कुछ एक नया स्कूल बन गया हमारे लिए, जैसे कि कोई नया कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अमन का लगता था कि वो कॉमेडी करा रहा है, लेकिन पढ़ाई में मैम ब्रिलियंट, अच्छा बोल मैम, समझाने में सबसे अच्छा लगा मैम, अच्छे कूट कूट के भाई कॉन्फिडेंस तो। और अमित की बात, अमित भी बच्चों को अपने पास बुला के मतलब सर बोल रहे थे कि तुम्हारे पेपर हो जाने दो फिर तुम स्टार्ट करना, बट फिर मैंने सोचा कि एक घंटा देने में क्या हो, वैसे मैं एक घंटे ही बच्चे को पढ़ा पाती हूँ क्योंकि मैं 4 बजे स्कूल से आती हूँ, फिर दो चार मिनट फिर मैं रेडी होती हूँ तो